मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई थी, मेरे बच्चे सब बिछड़ गए। वो हादसा ऐसा था, कम से कम 10-15 हजार लोग तो मरे होंगे। कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर 3-3, 4-4 लोगों को दफन कर रहे थे। बहुत खराब हादसा था वो, बेपनाह लोग मारे रोड पे पड़े हुए थे। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 8:30 बजे अचानक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली होने लगी। अगली सुबह होते होते यह हवा इतनी जहरीली हो गई कि जानलेवा बन गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। इस कांड में करीब 20,000 लोग मारे गए, लेकिन हजारों लोगों को बचाने की कोशिश भी की गई, वो भी एक ट्रेन के जरिए। और ये पूरी कहानी आपको 18 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द रेलवे मैन में दिखेगी। अब जरा उस कंपनी को देख लीजिए जिसकी वजह से हजारों लाशें बिछ गईं। हम दिखा रहे हैं कंपनी की असल तस्वीरें, अभी ये बंद पड़ी है, कारखाने में जंग लग चुकी है। उस रात इस कंपनी में गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दर्द आज भी सुनाई देता है। बहुत खराब हादसा था वो, बेपनाह लोग मारे रोड पे पड़े हुए थे, कईयों को तो गाड़ियों भर भर के फेंक के आ गया नर्मदा। हाँ, थाने में भी कोई पुलिस नहीं थी भाई, वो भी इंसान है, वो भी अपनी जान बचाएंगे। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ अपने बच्चों को देखने, तो कमरा भरा हुआ था लाशों से, बच्चे बूढ़े जवान सब पड़े हुए थे। मैंने उनको देखा, मेरे बच्चे नहीं थे, ना मेरी बीवी थी, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई थी, मेरे बच्चे सब बिछड़ गए। वो हादसा ऐसा था, वर्ल्ड का पहला हादसा था, और यहाँ की सरकार ने उसके बारे में कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ दूध बांटा, गल्ला दिया, जो इसका मालिक था उसको भगा दिया। 2-3 दिसंबर की भोपाल की उस रात हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी, जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद नहीं मौत आ गई। तो याद भी नहीं करना चाहते वो मंदिर, इसलिए याद नहीं करना चाहते, वो बहुत भयानक रात। हम लोग जो सो रहे थे वो सोते सोते रह गए, जो जग रहे थे जब आँखों में मिर्ची लगी वो खांसने लगे, लोगों को पता चला कि यूनियन कार्बाइड की गैस निकल गई। तो घर वाले हमारे वालिद साहब ने गीली रजाई करके हमारे ऊपर डाल दी थी, और बाकी क्या है, वो गैस जब से निकली है भोपाल का जो पुराना आदमी वो पीड़ित है उससे, उसको सबको उनको मतलब गैस की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम ये होती है, वो तो है परिवार में ही। किसी के भी भोपाल के अंदर जाओगे आपके गैस पीड़ित थे, वो बताएगा उनके घर के अंदर कोई ना कोई समस्या होगी बीमारी की। भाई हम लोग जितने भी बैठूंगे यहाँ पे सब गैस पीड़ित थे, हम लोग सब जितने भी भाई बैठूंगे हम लोग सबको गैस लगी है। हम भोपाल के रहने वाले खास यूनियन कार्बाइड के सामने रहते हैं, जेपी नगर में गाजीगंज में घर हम लोगों के सबके। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबरा कर बाहर आए। लोग जान बचाने तो भागे, लेकिन मौत बनकर घूम रही गैस किसे छोड़ने वाली थी। किसी ने रास्ते में दम तोड़ दिया तो कोई हाँपते हाँपते मर गया। इस तरह के हादसे से निपटने के लिए उस समय कोई तैयारी नहीं थी। फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा। जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और उसका इलाज कैसे करना है। इसी बीच एक ट्रेन से लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आ गया है, जिनकी कहानी आपको दिखेगी नेटफ्लिक्स की इस फिल्म में। भोपाल त्रासदी का दर्द आज भी जिंदा है। कम से कम 10-15 हजार लोग तो मरे होंगे। मैं तो भाई छोटा सा था, मगर फिर भी रोडों पे लोग पड़े हुए थे। हम भोपाल टाइप कब्रिस्तान में रहते थे, वहाँ भी रोडों पे लोग पड़े हुए थे। कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर 3-3, 4-4 लोगों को दफन कर रहे थे, और आज भी मैं बतला दूंगा वहाँ खोदोगे तो इतने ही लोग निकलेंगे। हम तो वहीं रहते थे, टूट के फिर आरिफ नगर में आए, और ये आरिफ नगर आप देख रहे हो, इसमें मकान नहीं बनने देते थे पहले, कहते थे 6 फीट की दीवार उठाओ। गैस कांड के चलते कई लोगों को दीर्घ अवधि की बीमारियाँ हुई, तो कई आंशिक रूप से प्रभावित हुए। आज भी 6.25 लाख गैस पीड़ित सीधे तौर पर प्रभावित है। इनमें मुख्य रूप से गैस का असर
जिन लोगों को हुआ उनको कैंसर, किडनी के पेशेंट ज्यादा हैं और लंग्स के। क्या हुआ था वो आप फिर से इस फिल्म के जरिए देख लेंगे, लेकिन जिन्होंने झेला उनके दर्द को कोई मरहम कम नहीं कर सकता। लोकल 18 के लिए भोपाल से विनय अग्निहोत्री की रिपोर्ट।